फिर हार्ट में है कार्डियक मासल्स, फिर जैसे स्टोमक बताया उसमें स्मूथ मासल्स, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासल्स होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासल्स एंड डिस्कस देयर डिफरेंसेस, उनका बीच अंतर क्या है वो मासल्स के बीच, ये बहुत ही कॉमन पूछते हैं। या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासल्स, गिव वन एग्जांपल वेयर दिस मासल्स आर प्रेजेंट, गिव वन एग्जांपल्स ऑफ द बॉडी वेयर दिस मासल्स आर प्रेजेंट, ऐसे पूछते हैं। और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, इन दिस क्लास आल्सो विल डिस्कस अगेन सो दैट यू कैन रिकॉल एंड विल गो लिटिल बिट इन डेप्थ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी, यू कैन गेट ए वेरी प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑन दैट। सो स्केलेटल मासल वही मासल है जो ये हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, दे आर कॉल्ड द स्केलेटल मासल, स्केलेटल मतलब स्केलेटन के साथ जो जुड़ा हुआ है। सो दिस आर द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मतलब हड्डियां है, तो स्केलेटन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको ही बोलते हैं स्केलेटल मासल, स्केलेटल मासल। सो व्हेन दिस मासल्स कॉन्ट्रैक्ट, आप देख सकते हैं दिस इज द बाइसेप्स मासल एंड दिस इज आवर ह्यूमरस बोन, तो एनी मासल्स दे आर अटैच्ड विद द बोन वाया दिस लिगामेंट्स, सो वन मासल इज हैविंग ओरिजिन एंड इंसर्शन, सो जहां से मासल शुरू होता है और जहां पे जाके मिल रहा है। अब देखिए दिस इज द ह्यूमरस एंड रेडियस एंड अल्ना, जब ये ह्यूमरस जब ये बाइसेप्स मासल्स इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, तब देखिए ऐसे फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। आपके शरीर के नजदीक जो मूवमेंट हो रहा है, शरीर के जो भी मूवमेंट से शरीर के नजदीक सामान को लेके आ रहे, जैसे वेट लिफ्ट कर रहा है तो शरीर के नजदीक लेके आ रहे, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या है, जब शरीर से बाहर की दिशा में जा रहे उसको बोलते हैं, व्हेन द व्हेन बिकॉज़ ऑफ द मूवमेंट व्हेन द लिम्स आर गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन दिस आर वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सो व्हेन द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट so these types of movements can be seen, so biceps is one of the example of the skeletal muscle, biceps एक प्रकार का skeletal muscle का example है। देखिए अभी देखिए दूसरा muscles, the pectoralis muscles, these are also skeletal muscles, ये जब contract करता है ऐसे forward and backward ऐसे movement हो रहा है, forward and backward ऐसे movement हो रहा है। so when these muscles will contract, ये muscles कब contract करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं, है ना, इसीलिए इस प्रकार का मासल का और एक नाम है वॉलेंटरी मासल, बिकॉज आप चाहे तो इस मासल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो। इफ आई विश आई कैन पिक अप दिस पेन, इफ आई विश आई कैन राइट, इफ आई विश आई कैन थ्रो ए बॉल, है ना, तो हम चाहते हैं तो ये प्रकार का मासल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, इसीलिए ये जो स्केलेटन मासल है इसका और एक दूसरा नाम दिया गया। क्या नाम है भाई साहब, इसका नाम दिया गया वॉलेंटरी मासल, वॉलेंटरी मासल, बिकॉज आप चाहते हो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, इसीलिए इसको वॉलेंटरी मासल्स नाम दिया गया। देखो ये लोअर लिम का मासल्स है, देखो व्हेन यू आर डूइंग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऐसे मूवमेंट जब कर रहे हैं, तब बिल्कुल इसी प्रकार का आपका हड्डियों के साथ जो मासल्स जुड़ा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दीज मूवमेंट्स आर नॉट सिंपली हैपनिंग, ये मूवमेंट्स होने के लिए आपका ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स इलेक्ट्रिकल करंट बहुत माइन्यूट वोल्ट में शरीर के अंदर नाभ के जरिए न्यूरॉन के जरिए आएगा मांसल तक, मांसल्स में पहुंचेगा, तब मांसल में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट हो जाएगा, नाभ इलेक्ट्रिकल इंपल्स से मांसल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाएगा, फिर मांसल्स मेम्ब्रेन में स्प्रेड होगा, फिर मांसल में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होगा जिसके वजह से मांसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। कभी कभी सडनली एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, तब आपको सभी एक्सप्लेन करना है हाउ एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल ट्रैवल इन द नर्व, हाउ इट विल रीच द मसल मेम्ब्रेन एंड हाउ एग्जैक्टली मसल्स विल कंट्रैक्ट, सो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल द एंटायर इवेंट्स इन डिटेल। कभी कभी सिंपली पूछते हैं डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग का एक हिस्सा है, तो
एनीवे सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्केलेटल मसल। तो देखिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ, सो स्केलेटन के साथ जो मसल्स जुड़ा हुआ है दे आर कॉल्ड द स्केलेटन मसल। सो इफ यू सी द स्केलेटल मसल्स, ऐसे मसल्स फेसिकल्स होता है, और इससे अगर एक सेपरेट ब्रांच लेके आएंगे ऐसे सेक्शन करके तो मसल बंडल होगा, और ये मसल बंडल के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर्स है, ऐसे मसल फाइबर्स है, आप देख सकते हैं ये मसल फाइबर है। एक एक मसल फाइबर ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल मतलब पाइप जैसे, सिलेंडर जैसे, सिलिंड्रिकल लंबाई में ऐसे स्ट्रक्चर है, तो दिस इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल। और इसके सराउंडिंग में ऐसे न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में ऐसे न्यूक्लियस होता है। आप देखिए जैसे स्केलेटल मसल में मैं जैसे बताया था, इसमें ऐसे बैंडिंग होता है, पिछले क्लास में भी बताया, ऐसे बैंडिंग होता है स्केलेटल मसल में। किस प्रकार का बैंडिंग? स्नेक में दिखा जाता है, जैसे डार्क एंड लाइट, डार्क लाइट, हाँ, काले वाले बैंडिंग, फिर सफेद वाले, काले सफेद, काले, ऐसे बिल्कुल स्नेक के तरह, ऐसे तरह इधर भी बैंडिंग है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस मतलब डार्क 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 ऐसे, हाँ, स्मूथ नहीं है, पूरा क्लियर नहीं है, इसमें स्ट्राइएशंस है डार्क। इधर देखो, इधर ए स्केलेटल मसल एक फाइबर है, एक फाइबर को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं। सो व्हेन वी आर मैग्नीफाइंग दैट एंड वी आर सीइंग, वी कुड सी वेरी क्लियरली देयर आर बैंड्स, देयर आर बैंड्स, सी डार्क बैंड, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे ऐसे बैंडिंग है। इसीलिए स्केलेटल मसल का दो नाम देखा था पहले, स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल, ए और एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं, क्या मसल्स बोलते हैं इसका और एक नाम दिया गया, ए बैंड, स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, बिकॉज इट इज हैविंग स्ट्राइएशंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड। ये बैंडिंग क्यों है? बिकॉज इसके अंदर जो एक्टिन मायोसिन, इसका जो अरेंजमेंट है, एक्टिन मायोसिन ये सब जो प्रोटीन्स है, इसका अरेंजमेंट की वजह से ऐसे बैंडिंग दिखता है, ऐसे डार्क लाइट, डार्क लाइट। इसके अंदर अगर झांकेंगे, अंदर और भी अंदर झांकेंगे, और भी अंदर देखेंगे, तो हम देख पाएंगे एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन मायोसिन ये सब मसल्स प्रोटीन है, वो बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट होके रहता है, उसी के कारण ऐसे ऐसे टाइप ऑफ बैंडिंग दिखता है। फिर आते हैं दूसरे प्रकार का मसल जो है स्मूथ मसल, ये कहाँ पे मिलता है बताओ वीरेंद्र कुमार, अनम्यूट करो पहले, स्टमक में सर, आईज में सर, आईज में, आईज में, स्टमक में होगा, हाँ स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन कैनाल या जीआई ट्रैक्ट, हाँ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं उसको, और ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे स्मूथ मसल्स होगा। ये स्मूथ मसल्स देखिए इधर कैसे होता है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में इसको स्मूथ बोलते हैं क्योंकि इधर ऐसे कोई बैंडिंग नहीं है, जैसे अभी स्केलेटल मसल में देखा ऐसे ऐसे डार्क लाइट बैंडिंग था, इधर ऐसे कोई बैंडिंग नहीं, इसीलिए इसका नाम है स्मूथ। स्मूथ मतलब कोई ऐसे दाग नहीं, स्मूथ, एकदम स्मूथ मसल, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मूथ मसल। स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है देखो, स्केलेटल मसल में सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कौन बात कर रहा है, यू आर हैविंग बेल शेप, ऐसे बेल शेप है, ऐसे बेल शेप, एंड सेंट्रली न्यूक्लियस है, इसका केंद्र में, सेंट्रल में न्यूक्लियस है ऐसे। सो दिस इज द टाइप ऑफ स्मूथ। देखिए स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कैसे होता है, व्हेन द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो इट इज इन द रिलैक्स स्टेट, एक एक मसल फाइबर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन काफी डिफरेंट तरीके से होता है, वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ एग्जैक्टली स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड वी नेवर आस्क्ड आल्सो इन द एग्जाम, बट हमें जो डील करना है स्केलेटल मसल लेके, स्पोर्ट्स में ज्यादा डीलिंग है, सो वी नीड टू डिस्कस डिटेल हाउ एग्जैक्टली स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
फिर और एक प्रकार का मसल है जो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में ये दोनों प्रकार का मिक्स्ड है। क्या क्या मिक्स्ड है? जैसे मैंने बताना भूल गया, स्मूथ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल, बिकॉज ये मसल्स को भी आप चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन योर विश। आप चाहते हो तो स्टोमक नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, आप चाहते तो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर का स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप चाहते तो एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए दीज स्मूथ मसल जो पहले स्लाइड जो गया, दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल। सो स्मूथ मसल्स का दो नाम मिला हमें, एक है स्मूथ मसल्स और एक है इनवॉलेंटरी मसल। नाउ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल इज द थर्ड कैटेगरी, एंड दिस कार्डियक मसल्स में दोनों का मिक्सन है। क्या मिक्सन है? या इस मसल्स में देखिए ऐसे बैंडिंग है, जैसे स्केलेटल मसल में बैंडिंग था ना, डार्क लाइट ऐसे, बिल्कुल इसी तरह इधर भी है, इधर भी बैंडिंग है। और क्या है, स्केलेटल मसल में जैसे सिलिंड्रिकल था ना, इधर ऐसे सिलिंड्रिकल नहीं है, इधर ब्रांचेस है। देखो ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसे है, बट इसका फिर डिवाइड हो गया, ब्रांचिंग है। इधर दिखाई दे रहा है सभी को? जस्ट ए मिनट। सो यू आर हैविंग बैंडिंग ओवर देयर, बैंडिंग्स है और ब्रांचिंग्स भी है। देखिए इधर ऐसे ब्रांच है, ये मेन जा रहा है, फिर इसका ब्रांचिंग है, फिर जा रहा है, फिर इधर ऐसे ब्रांचिंग है, फिर जा रहा है, फिर ऐसे ब्रांचिंग है, ऐसे ब्रांचिंग है, जैसे पेड़ में होता है ना, ब्रांचेस। बिल्कुल इसी तरह स्केलेटल मसल के तरह इसमें ऐसे स्ट्राइशंस है, डार्क एंड लाइट स्ट्राइशंस है, और उसके साथ साथ इसमें ब्रांचिंग है। और स्मूथ मसल का क्या कैरेक्टर है? वो जैसे इनवॉलेंटरी था, हार्ट का मसल्स भी इनवॉलेंटरी है, बिकॉज हम चाहते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। सो दीज आर द डिफरेंसेस अमंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। देखिए ये ऐसे यूनाइटेड होके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट में जो होता है, सो ऐसे यूनाइटेड होके दे कॉन्ट्रैक्ट, दे एक्ट एज एन फंक्शनल सिंसिक्यूर। अभी स्केलेटल मसल व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द स्पोर्ट स्केलेटल मसल इज डूइंग द रिमार्केबल वर्क। यू नो वन रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ऑफ हिज मसल। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे तो बेसिकली जो मसल एक्टिविटी डिपेंडेंट गेम है, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकसिंग ये सब नहीं है, साइकोलॉजिकल डोमिनेंसी गेम नहीं है, तो उसमें देखेंगे तो एक प्लेयर जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज मसल। तो मान लीजिए कोई भी रिनाउंड हुसैन बोल्ट अगर जाने जाएंगे तो उसका मसल ही कमाल कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज देयर, क्या है अंतर, क्या है वो मसल? तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। सो व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दिस मसल्स? बिकॉज वही है अडाप्टेशन, जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन होता है ट्रेनिंग के वजह से या जेनेटिकली भी होता है। तो बिकॉज योर मसल्स आर द फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ द सक्सेस फॉर एन एथलीट, एंड व्हाट दिस मसल कैन डू फॉर यू व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं है कि आप गेम के बाद मसल पावर दिखा दे, उसमें कोई फायदा नहीं। तो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन द स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज मैक्सिमली रिक्वायर्ड, व्हेदर योर मसल्स आर एबल टू प्रोवाइड दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड what power your muscles can give when your performance work output is maximum, and how long it can persist its activity. जब आपको चाहिए इसका activity maximum चाहिए, तब ये muscles कितना देर तक आपको activity जारी रखा without getting exhausted or without getting fatigue. So how long it has persisted its activity. So these are very very crucial. Now for this, as I told, for this skeletal muscle contraction, mainly हम लोगों का brain का you can see in this animation. This is the human brain. Almost 1.5 kilo वजन है इसका, 1.5 kilogram weight. So it is situated inside the cranial cavity. And from the brain, basically the motor cortex, prefrontal cortex, वहाँ से ऐसे electrical impulse देखिए
ऐसे बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ना घर में, जैसे वायरिंग करते हैं ना करंट का, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं बिजली का जो तार होता है, बिल्कुल इसी तरह ऐसे तार बिछा हुआ है पूरे शरीर में, इसको नर्व बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन और नर्व बोलते हैं। तो इसके जरिए आपका ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे आता है, हर एक मसल तक पहुंचता है, तब जाके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर ब्रेन के अंदर देखेंगे हम लोग, दिस इज ए सेक्शन, ब्रेन को ऐसे स्लाइस कर दिया गया और हम लोग अंदर देख रहे हैं। ब्रेन के अंदर देखिए, जब अंदर देख रहे हैं, we could see brain is consist of billions of neurons, not only billions, billions and billions of neurons. देखिए, these are the neurons which are actually structural and functional units of nervous system. Nervous system का जो structural and functional unit है, उसका नाम है neurons. ऐसे दोनों neurons को आपस में ऐसे जुड़ते हैं via synapses. तो साइनाप्स के जरिए दोनों न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं और इंफॉर्मेशन लेन देन करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट जैसे इंपल्स, वो न्यूरॉन के जरिए दूसरे न्यूरॉन में पहुंचते हैं, बिल्कुल इसी तरह। देखिए, एक न्यूरॉन का ट्री जैसे, जंगल जैसे है ना, इट्स लाइक ए सो डेंसली पैक्ड, और ऐसे न्यूरॉन है, सम न्यूरॉन्स विल जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स पॉजिटिव, सम विल जनरेट नेगेटिव, लाइक दैट, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। फिर एक न्यूरॉन देखेंगे तो न्यूरॉन का ऐसे तीन हिस्से होते हैं, एक है रिसीवर्स, जैसे ये मेरा टेलीफोन है, ठीक है, इसमें ये रिसीवर्स है, ये रिसीवर्स है, तो कोई भी कॉल आएगा तो हम लोग इधर से रिसीव करते हैं ना, ये ऐसे रिसीवर है। बिल्कुल इसी तरह आपका ये जो डेंड्राइट्स है, दिस डेंड्राइट्स भी रिसीवर की तरह काम करेगा, जैसे कहीं से अगर कॉल आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा दूसरे न्यूरॉन से, दिस डेंड्राइट्स विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, वो डेंड्राइट्स क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। सो व्हेनेवर लाइक दैट, एक न्यूरॉन ऐसे जुड़ जाता है इसके साथ, जैसे अभी दिखाया मैंने ना, ऐसे और एक न्यूरॉन इसके साथ जुड़ा हुआ है बाय दिस साइनाप्स, दोनों न्यूरॉन के बीच जो गैप है इसको बोलते हैं साइनाप्स, क्या बोलते हैं इसको, साइनाप्स। दोनों न्यूरॉन के बीच का गैप को बोलते हैं साइनाप्स, जहां पे वो जुड़ा हुआ है, जहां से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है इंफॉर्मेशन। तो इसका रिसीवर्स जो है, ये रिसीवर को बोलते हैं डेंड्राइट्स, ये रिसीवर्स को बोलते हैं डेंड्राइट्स, जहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, जहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, और फिर वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो रहा है सेल बॉडी में। ये न्यूरोनल सेल बॉडी है, दिस इज अ सेल बॉडी, जैसे एक सेल होता है ना, उसका जैसे सेल होता है, बिल्कुल इसी तरह न्यूरॉन का सेल बॉडी है। सो दिस इज द सेल बॉडी। तो एक हो गया डेंड्राइट्स एक हिस्सा, एक है सेल बॉडी, और एक लंबा देखो ऐसे एक्सॉन है, सो दिस इज द एक्सॉन, ये जो लंबा जा रहा है, हाँ, जो इंफॉर्मेशन को लेके दूसरे जगह तक पहुंचाता है। तो इसका काम क्या है, इम्पल्स को इंटीग्रेट करना सेल बॉडी में, और ये इंटीग्रेटेड इम्पल्स को लेके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है, एक्सॉन का काम। सो वन न्यूरॉन इज हैविंग टिपिकली थ्री पार्ट्स, वन इज रिसीवर्स, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से, वो है डेंड्राइट्स, एक है सेल बॉडी, जहां पे वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, सोमा और सेल बॉडी बोलते हैं इसको, और एक है एक्सॉन, जहां से वो इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड होता है दूसरे न्यूरॉन में। अभी देखिए, न्यूरॉन दो प्रकार का हो सकता है, इसमें ऐसे माइलिन सीथ हो सकते हैं, जैसे सुबह बताया गया सुबह का क्लास में, ऐसे फैट लेयर इसके ऊपर ऐसे कवरिंग हो सकता है, जैसे बिजली वाला तार है होता है ना, उसमें दो प्रकार का तार देखेंगे आप, एक है बेयर तार, जो खाली खाली ऐसे है जिसमें कवर नहीं है, पहले तो कॉपर का तार होता है ना, उसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक का एक कवर होता है ना, अगर वो प्लास्टिक का कवर निकाल देंगे तो कॉपर वाला तार ऐसे पड़ा रहे, बिल्कुल इसी तरह ये है, मान लीजिए प्लास्टिक वाला वो कवरिंग है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह इसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और एक प्रकार है जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जहां पे ऐसे कवरिंग नहीं होता है, जहां पे ऐसे कवरिंग नहीं होता। अभी ये न्यूरॉन्स भी ऐसे न्यूरोनल, देखिए ऐसे न्यूरॉन्स है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग है,
और जहां पे कवरिंग नहीं है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर, बीच बीच में नोड ऑफ रेनबियर जहां पे कवरिंग नहीं है। ये सब आपने पढ़े होंगे प्लस 12 में, और इफ यू हैव डन बीपीएड और एमपीएड यू हैव सीन दैट वेरी बेसिक्स दीज आर। और उसके बाद क्या है, इसको कवर करके ऐसे एंडोन्यूरियम होता है, उसके बाद बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे पेरिन्यूरियम द्वारा कवरिंग होता है, फिर बहुत सारे न्यूरोनल ऐसे फेसिकल्स ऐसे एपिन्यूरियम द्वारा कवरिंग होता है। नाउ नर्व एक्शन पोटेंशियल, नर्व एक्शन पोटेंशियल क्या है, जैसे बिजली के तरह इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व के थ्रू आता है उसी को बोलते हैं नर्व एक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है, ये रैपिड एंड ट्रांसिएंट चेंजेस, रैपिड एंड ट्रांसिएंट एंड लार्ज चेंज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स हो जाता है इस वक्त। नॉट रिक्वायर इन डिटेल, आपको बिल्कुल इधर जो एनिमेशन दिखा है इसी तरह होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले स्लो फेज ऑफ डिपोलराइजेशन फिर ऐसे फास्ट होता है, नॉट रिक्वायर इन डिटेल। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में इस प्रकार से कन्वे होता है, न्यूरोनल इंपल्स विल जंप, ये है नोड ऑफ रेनबियर जहां पे आपका माइलिन शीथ कवर नहीं है। देखिए थोड़े पहले मैं बताया ना, जैसे एक न्यूरॉन के ऊपर ऐसे कवरिंग होता है माइलिन शीथ का, न्यूरॉन के ऊपर ऐसे माइलिन शीथ का कवरिंग होता है, ऐसे ऐसे कवरिंग होता है, और जहां पे कवरिंग नहीं है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। देखो दिस इज द नोड ऑफ रेनबियर, यहाँ पे कवरिंग नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, विल जंप, हॉप करेगा, एक इधर एक्शन पोटेंशियल ऐसे है फिर जंप करेगा इधर से यहाँ तक, एक नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा इधर फिर यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है मींस जिस प्रकार का न्यूरॉन में ऐसे कवरिंग होता है उसमें एक्शन पोटेंशियल बहुत फास्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। देखिए एनिमेशन के जरिए देखिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट्स में रिसीव हो रहा है, फिर सेल बॉडी में इंटीग्रेट हो रहा है इधर, फिर ये नया नया एक्शन पोटेंशियल बहुत फास्ट एक्शन के थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लो होके नर्व एंडिंग में जा रहा है, नर्व एंडिंग होते हुए दूसरी जगह जा रहा है। So electrical impulse will come to the nerve ending. ये है nerve ending, axon terminal. इसको बोलते हैं axon terminal या presynaptic nerve ending, presynaptic nerve ending. ये है synapse, इसके presynapse means pre मतलब आगे, post synapse मतलब synapse के पीछे। synapse क्या है? Synapse is the gap between two neurons or junctions between two neurons. तो आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसी तरह नर्व के जरिए आता है, जैसे पहले स्लाइड में देखा है ये नर्व टर्मिनल में आ गया इलेक्ट्रिकल इंपल्स इधर तक आ गया, अभी क्या होता है, अभी इधर से कैसे दूसरे न्यूरॉन में या मांसल में कैसे पहुंचता है वो दिखाते हैं। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैज नाउ कम अक्रॉस द मोटर न्यूरोन जो मांसल्स को सप्लाई कर रहा है, दे आर कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन्स। अभी इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स ऐसे नर्व एंड में आ गया और प्री साइनाप्टिक एंड में, साइनाप्स से पहले वाला एंड में देखिए जो साइनाप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर भरे पड़े हैं वो क्या करते हैं, वो तब आके फ्यूज हो जाते हैं, मींस मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, ये साइनाप्स से पहले जो ऐसे नर्व का एंड है वहां पे जाके मिल जाते हैं। सो When the electrical impulse will arrive to the nerve end, then there will be influx of calcium that will cause addition of these vesicles and fuse with the presynaptic membrane and release the neurotransmitter. Neurotransmitter release हो जाता है। समझ में आ रहे आप लोगों को? बहुत बार repetition चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये वाला come to the nerve ending। वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम आयन एंट्री होगा इधर,
सो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, कैल्शियम आयन अंदर आता है बाहर से। ये क्या करते हैं, ये साइनाप्टिक वेसिकल्स जो है, साइनाप्टिक वेसिकल्स ऐसे वेसिकल्स है, ऐसे पैकेज पैकेज, जैसे आप मिठाई लेते हैं दुकान से तो क्या करते हैं, आपका कैरी बैग में पॉलिथीन में डाल के देते हैं ना मिठाई, बिल्कुल आपका ये पैकेट है जिसके अंदर मान लीजिए ऐसे मिठाई है, जैसे रसगुल्ला है या काला जामुन है, तो पैकेट के अंदर है, तो ये भी एक पैकेट है। इसके ये पैकेट के अंदर क्या है, ये पैकेट के अंदर ऐसे ऐसे मिठाई जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनाप्टिक वेसिकल्स। सो साइनाप्टिक वेसिकल्स दे आर फील्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर, सो व्हेन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल अराइव दिस विल कम एंड फ्यूज विद द मेम्ब्रेन। ये फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, ये वेसिकल्स अभी पॉलिथिन खाली हो गया, मिठाई छोड़ दिया इधर पोर कर दिया, मिठाई डाल दिया, तो अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर आ गया। नाउ न्यूरोट्रांसमीटर हैज रीच इन द साइनाप्टिक क्लेफ्ट, ये जाके पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, ये साइनाप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन है ये, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन इधर जाके रिसेप्टर में बाइंड करेगा। एनिमेशन के थ्रू देखेंगे इजी रहेगा। देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम अंदर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स विल कम एंड फ्यूज विद द मेम्ब्रेन और इट विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, इधर इट विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। अभी नेचर बहुत प्रीसियस है, ये जो एम्प्टी वेसिकल्स है ना, हम लोग तो मिठाई ले लेते हैं और डब्बा ऐसे एनवायरमेंट में फेंक देते हैं, है ना, इसी वजह से क्या होता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है ना, प्लास्टिक प्लास्टिक चारों तरफ प्लास्टिक का डब्बे मिलते हैं, कवर मिलते हैं, पॉलिथिन मिलते हैं, बट नेचर इज वेरी प्रीसियस। शरीर के अंदर देखो ये जो एम्प्टी वेसिकल्स है, जो खाली पर खाली हो गया, ये फिर रिसाइकल होता है, फिर घूमता है, फिर उसमें पैकेज होता है, फिर भरते हैं उसमें साइनाप्स, फिर वो साइनाप्टिक वेसिकल्स फिर दोबारा पैकिंग होता है, उसके अंदर फिर मिठाई जैसे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रीसिंथेसिस होता है, रीअपटेक होता है, फिर वो रिसाइकल होता है, रिसाइकल मतलब घूमते रहते हैं, उसको फिर दोबारा यूज करते हैं, फिर दोबारा यूज करते हैं। साइंटिस्ट लोग भी बहुत अच्छा से नाम दिया है, एक गैनोंग टेक्स्ट बुक है हम लोगों का, वो बहुत क्या करेगा, बहुत जल्दी इसको टच करेगा, आके फ्यूज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ेगा और एम्प्टी वेसिकल्स फिर वापस जाएगा, ये प्रोसेस इतना फास्ट होगा ना, इसको नाम दिया है किस एंड रन, एज इफ ये वेसिकल्स इसको चूम के भाग रहे हैं, बहुत मजेदार मजेदार नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं किस एंड रन, सो दिस वेसिकल्स विल किस द मेम्ब्रेन एंड रन, इसको चूम के भाग रहे हैं, बहुत बढ़िया नाम दिया है, डोंट थिंक दैट साइंटिस्ट आर वेरी ड्राई, दे हैव गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल नेम टू एक्सप्लेन दैट प्रोसेस। अभी क्या है, नाउ द वेसिकल्स व्हेन इट हैज कम एंड फ्यूज विद दैट प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, इधर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करता है, देखो ऐसे ही हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, ये वेसिकल्स को रिलीज किया एंड इट इज रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर इधर साइनाप्टिक क्लेफ्ट में। नाउ न्यूरोट्रांसमीटर विल गो एंड बाइंड टू द पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, बहुत ही क्लियर है ये एनिमेशन में, कोई डाउट है, बहुत क्लियर है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया नर्व एंड में, नाउ कैल्शियम अंदर गया, फिर ये वेसिकल्स को फ्यूज कर रहे और न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रिलीज हो रहा है साइनाप्स में या साइनाप्टिक क्लेफ्ट में, अभी वो आके पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन में बाइंड कर रहा है, देखो और भी डिटेल में, अभी इसको क्या किया, आधा हिस्सा को काट दिया, तो देखने में सुविधा हो रहा है, देखो ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, अभी नाउ वेसिकल्स आके इधर फ्यूज हो रहा है, ये फ्यूज होने पर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया इधर, अभी आने पे ये वेसिकल्स आर कमिंग एंड फ्यूजिंग विद द प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, तो न्यूरोट्रांसमीटर इधर छोड़ दिया, न्यूरोट्रांसमीटर हैज बीन रिलीज्ड इधर, नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल गो एंड बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, रिसेप्टर कहाँ होता है, ये पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन में, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, और भी देखो ये एनिमेशन में इट इज वेरी क्लियर, देखो इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट है, देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, ए वेसिकल्स रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है नर्व से, ऊपर का हिस्सा दिखा रहा है, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल कम दिस वेसिकल्स विल कम एंड फ्यूज विद द मेम्ब्रेन,
it will release the neurotransmitter. Now this neurotransmitter will go and bind with the postsynaptic membrane. Is it clear? Anybody is having any doubt? किसी को कुछ डाउट है? No sir. Come to the second part, that is called single motor unit. अभी हम लोग देखे थे मसल, इसको छोटा नहीं हो रहा है. अभी हम लोग देखे थे थोड़े पहले क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व के जरिए आ रहे और मसल तक पहुंच रहे हैं. नाउ हमारे शरीर का कोई कोई हिस्सा है जहां पे हम लोग बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं. कौन सा हिस्सा है? जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं, है ना, हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, तो ये जो फिंगर का जो मसल है, डिजिट का जो मसल है, वो हर एक मसल फाइबर को हम लोग बहुत प्रिसाइजली बहुत फाइन मूवमेंट कर सकते हैं. ऐसे किसी का आंख ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे दशहरे में दुर्गा प्रतिमा बनाते हैं, है ना, उसका आंख का पेंटिंग कर रहे हैं, आंख का ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत फाइन मूवमेंट. कोई गिटार बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, बहुत फाइन, बहुत टाइनी मूवमेंट चाहिए, है ना. वो मूवमेंट कहाँ हो सकते हैं? जहां पे एक मोटर न्यूरॉन, मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये इसका ब्रांचिंग है, ये न्यूरॉन का ये ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग होके होके मसल फाइबर को दे रहा है. अभी फिंगर में, जैसे डिजिट में, इसको इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं, डिजिट्स में जो मसल्स है, यहाँ पे क्या होता है, हर एक मसल फाइबर को एक एक नर्व फाइबर आके सप्लाई किया है, इसीलिए आप प्रिसाइजली एक एक हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं. बट शरीर का ऐसे भी हिस्सा है जहां पे हमें इतना प्रिसाइज कंट्रोल नहीं चाहिए. कौन सा एरिया है? जैसे बैक का मसल है ना, हम लोगों का पोस्चरल रेगुलेटिंग मसल, हम लोग जब खड़ा होते हैं, हाँ, वॉक करते हैं, बैक मसल, पीछे जो वर्टिकल जो मसल्स होते हैं, हाँ, वो मसल्स को इतना प्रिसाइज कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है ना, उधर क्यों चाहिए हमें. तो उधर क्या होता है, उधर मान लीजिए एक नर्व आके ऐसे 100 मसल फाइबर को ब्रांचेस दे रहे हैं, एक नर्व आके. बट इधर क्या हो रहा है, ये डिजिटल में, मीन्स आपका फिंगर में, हर एक मसल्स को बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल किया है. नाउ द कॉन्सेप्ट हैज कम इज कॉल्ड सिंगल मोटर यूनिट का मतलब होता है द वन मोटर न्यूरोन. ये जो मसल्स को सप्लाई करते हैं, ये न्यूरोन का नाम है मोटर न्यूरोन. इसका नाम है मोटर न्यूरोन. वन मोटर न्यूरोन विथ इट्स ब्रांचेस, इसका ब्रांच, ये देखो ब्रांच, एक दो तीन ब्रांचेस. वन मोटर न्यूरोन विथ इट्स ब्रांचेस एंड सप्लाइंग मसल फाइबर. This entire structure is called single motor unit. Is it clear? So single motor unit का मतलब है एक motor neuron with its branches, इसका जितना भी branching है, और supplying muscle fibers. इस तीनों को मिला के हमें बोलते हैं single motor unit. अभी ये single motor unit मेरा एक जो muscle finger में है, digit में है, हाथ में है, तो उधर बहुत प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए एक एक मोटर यूनिट का नंबर ऑफ मसल फाइबर बहुत कम है. मान लो एक मोटर यूनिट फॉर एग्जांपल डिजिट में दो तीन मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है. बट जो पोस्चर रेगुलेटिंग मसल है, मींस हम जब खड़ा रहेंगे, मनप्रीत नींद आ रहा है क्या? मनप्रीत पूरा एकदम खाना खा के अभी यॉन कर रहे हैं, नींद आ रहा है धीरे धीरे. मोनोटोनस नहीं रखा मैं क्लास आपको, थोड़ा विल कम लाइक दैट. It will reach the muscle fiber and this muscle will contract. So the muscle fibers which are situated in the back means posture regulating muscle. Posture मतलब क्या है? हम लोग खड़ा होते हैं, बैठते, उठते, उस टाइम आपका जो मसल आपका शरीर का वेट लिफ्ट करके रखा है, उसको बोलते हैं पॉस्चर रेगुलेटिंग मसल. उधर वो मसल में मोटर यूनिट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा है. तो सिंगल मोटर न्यूरोन might be 100 or 200 muscle fiber को impulse दे रहा है. तो एक nerve impulse आएगा तो आपका एक bulk में 200 muscle fiber contract करेगा. But इधर finger में क्या होगा? एक impulse आएगा तो बस दो चार ही muscle fiber को contract कर सकते हैं. So that आप precise control इधर कर सकते हैं. देखो अब electrical impulse जब आएगा, ऐसे motor end में आएगा electrical impulse. इसको बोलते हैं motor end plate. So the electrical impulse will reach the end plate
ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हर एक मसल में पहुंचेगा जहां पे उसका ब्रांचिंग है। ये मोटर यूनिट का जैसे ब्रांचिंग देखो तीन है, तीन मसल फाइबर में ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच रहा है। Keep it in the mute mode. Some background sound is coming. Aayega? Then it will spread across the sarcolemma. Aise electrical impulse aayega, fir influx of calcium, fir vesicles release hoga. Fir ye aake postsynaptic membrane mein bind karega. Fir action potential develop hoga muscle mein. Fir carry hoke jayega. Hai na? Aise muscles ke andar dekhenge, aise andar jayenge. तो देखेंगे ऐसे ट्यूबल्स है, सर्कोलेम्मा है, फिर ट्यूबल्स है। ऐसे मसल्स का मेम्ब्रेन अगर हटा देंगे सर्कोलेम्मा तो देखेंगे टी ट्यूबल्स है। सो द व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल कम तो ये ऐसे मसल मेम्ब्रेन सर्कोलेम्मा तक पूरा का पूरा स्प्रेड होगा, है ना। पिछले क्लास में बताया पूरा डिटेल इधर, तो इट इज ए रिविजन अगेन एंड अगेन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। So when the electrical impulse will come, देखो I have kept another animation also. When the electrical impulse will come, it will spread across the muscle membrane, a muscle membrane. फिर T-tubules है, T-tubules के थ्रू अंदर जा रहा है. Then from T-tubules it will reach the L-tubules या cistern, L-tubules में पहुंच रहा है. देखो फिर animation, बहुत ही clear ये animation. इसको हटा नहीं सकते। Now the electrical impulse will come and it will release the vesicles. Neurotransmitter release हो गया। अरुण सर प्लीज आपको म्यूट कर लो सर आप। अरुण सर नाउ देखो ये बाइसेप्स मसल दिखाया गया। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है बाइसेप्स मसल्स में बाय द मोटर न्यूरोन। वेसिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया इधर, एसिटाइलकोलिन है जो, बल्कि वो आके पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन में बाइंड किया, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इधर नर्व इलेक्ट्रिकल इंपल्स मसल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज कमिंग थ्रू दिस टी ट्यूबल्स, देखो दीज आर द टी ट्यूबल्स, फिर टी ट्यूबल्स से एल ट्यूबल्स में पहुंचा इंपल्स। एल ट्यूबल्स में आते ही तुरंत कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, ये जैसे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर द कैल्शियम आयंस। नाउ दिस कैल्शियम आयंस व्हेन इट इज रिलीज्ड, दिस कैल्शियम आयन विल गो एंड बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी। इधर थिक एंड थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट मतलब मोटा वाला जो फिलामेंट है, थिक फिलामेंट इज मायोसिन, थिक फिलामेंट इज मायोसिन। मायोसिन याद कैसे रखोगे, मायोसिन मिडिल में होता है, एम मायोसिन, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मिडिल। तो देखो मायोसिन मिडिल में होता है, ये मायोसिन ये मिडिल में है, एंड दिस इज द सार्कोमियर, ये जेड लाइन है, ये और एक जेड लाइन है, ये जेड लाइन है और एक है जेड लाइन। सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर लेंथ। The distance between two Z line, कभी कभी पूछते हैं what is sarcomere, what is sarcomere, एक मास का। So the distance between two contract, distance between two Z line is called sarcomere, ये एक Z line है। Z line पढ़ा है ना पिछले क्लास में, फिर है स्लाइड रखा रिवाइज करने के लिए इस क्लास में भी। So myosin is situated in the middle, morning में भी आपको बताया गया ना what are the structure, microscopic structure, एक्टिन मायोसिन कैसे होता है उसके अंदर। सो हमने देखा फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया तो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, तो दिस कैल्शियम आयन जाके एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर रहा है मसल्स के अंदर और मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो सो दीज आर द डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। डार्क बैंड में क्या होता है, डार्क बैंड में ऐसे मायोसिन है मिडिल में थिक फिलामेंट, और उसके ऊपर ऐसे साइड में एक्टिन है, इसीलिए काला दिखता है, इसीलिए ये ब्लैक दिखता है। लाइट बैंड में क्या है, लाइट बैंड में मायोसिन नहीं है इसीलिए ये लाइट दिखता है, और इसको बोलते हैं आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ए फॉर एनाइसोट्रोपिक, आई फॉर आइसोट्रोपिक,
इससे आ रहा है आई बैंड। नाउ ए ए बैंड के अंदर ऐसे एम लाइन है जहां पे ये मायोसिन अटैच्ड है, थिक फिलामेंट अटैच्ड है, और एक्टिन को देखेंगे तो एक्टिन एक्चुअली उसके हर एक एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट्स है जहां पे मायोसिन हेड जाके बाइंड कर सकते हैं। ये एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट्स है ना, ऐसे ऐसे पिछले क्लास में भी ड्रॉ करके दिखाया था। और उधर क्या है, उधर ये ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक है, और ट्रोपोनिन क्या है ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तीन यूनिट है इसका, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी पोर्शन में कैल्शियम आके बाइंड होता है, ये बाइंड करेगा तो ये एक्टिव साइट्स जहां पे एक्टिन का एक्टिव साइट्स है वो खुल जाएगा, अनकवर्ड हो जाएगा। देखिए कैल्शियम आयन आ रहा है आके इधर ट्रोपोनिन सी में बाइंड हो रहा है। When this calcium ion will bind, ए active sites अभी uncovered हो गया, जहां पे myosin head जाके, myosin का ये head है, ये जाके ऐसे bind कर रहा है। myosin का ये head racket के तरह ऐसे structure दिखा, ये bind कर रहा है। देखो animations में it is very clear. So when the electrical impulse will come, क्या होगा? When the electrical impulse will come, it will release calcium for fraction of second. Calcium ion आ गया, अभी देखो एक्टिव साइट्स में बाइंड किया ट्रोपोनिन सी में, अभी एक्टिव साइट्स खुल गया। ये देखो ये पहले कवर होके था ना, अभी मायोसिन हेड जाके उधर बाइंड कर सकते हैं। नाउ मायोसिन हेड्स विल गो एंड बाइंड हियर, अभी बाइंड किया, अभी ये पावर स्ट्रोक देगा। पावर स्ट्रोक क्या है, ये बाइंड करने के बाद ऐसे पीछे की तरफ धक्का देगा, टिल्ट होगा ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे टिल्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर आके और एक जगह में, नए जगह में बाइंड करेगा, फिर और एक बार टिल्ट करेगा। हाँ, और हर एक पावर स्ट्रोक के टाइम एक एटीपी मॉलिक्यूल क्लीव हो जाएगा, और एक नया एटीपी मॉलिक्यूल जब इधर बाइंड करेगा तभी वो इसको छोड़ के फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा। तो हर एक साइकिल के लिए दो एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। और जो हम लोग खाना खाते जो एटीपी के रूप में स्टोर होता है या एटीपी तुरंत भी बनता है, तो वही एटीपी जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान या एक्टिविटी के दौरान हमें यूज्ड अप हो जाता है। सो फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या क्रॉस कंट्री रनर्स या एंड्योरेंस प्लेयर्स जैसे साइक्लिस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट उनके लिए, या जो स्विमर्स है, स्विमर्स है लॉन्ग डिस्टेंस, या जो आपका रोवर्स है, ये सभी जो एंड्योरेंस गेम है उनको और भी ज्यादा देर तक उनका एक्टिविटी बरकरार रखना है, तो उसके लिए और भी ज्यादा से ज्यादा एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए सो दैट मेटाबॉलिज्म ज्यादा से ज्यादा देर तक हो सके, ज्यादा से ज्यादा देर तक हम लोग एटीपी बना सके, और वो एटीपी को मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हम यूज कर सके। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। देखो ऐसे ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कब तक होगा, जब तक ये मायोसिन हेड जेड लाइन को टच नहीं करेगा। दिस आर द जेड लाइन, this is contraction, this is relaxation, again see calcium ion aaya, contraction hua, z line ko touch kiya, maximum contraction, abhi calcium pump back ho gaya, relaxation hua, calcium phir wapas return hona hai tabhi jaake muscle relax karega। So today's topic, I'll again summary here. So we have seen excitation contraction coupling, this entire event, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग क्या है, कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहे हैं मसल तक, मसल में कैसे एक्साइट हो रहा है, एंड हाउ दिस मसल इज कंट्रैक्टिंग, दिस एंटायर इवेंट इज कॉल्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। कैसे मान आया, जाके बाइंड किया ट्रोपोनिन सी के साथ, एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन खुल गया जहां पे मायोसिन हेड जाके बाइंड कर रहा है, और ऐसे एक पावर स्ट्रोक दे रहा है। आई थिंक अभी भूलने का भी कोशिश करोगे तो भूल नहीं पाओगे, इतना एनिमेशन से मैं भर दिया, सो दैट एवरी स्टूडेंट्स इफ यू आर लुकिंग एट दैट यू विल बी एबल टू। प्रदीप देख नहीं रहा है, प्रदीप क्या बात हो रहा है, प्रदीप हॉकी बैंगलोर, ही इज नॉट एबल टू सार को मेरा क्या है सार को, तो सर ये सार को मियर
सार्कोमिया सर, तो सर ये पता है कि दो जेड लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको सार्कोमिया बोलते हैं सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, वही लिखोगे तो आपको। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो दो जेड लाइन मसल्स की दो जेड लाइन क्या सर, इसको क्या बोलेंगे मतलब? जेड लाइन टू जेड लाइन जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सार्कोमिया लेंथ। एक्चुअली दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, जब छोटा होता है ना, जो छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है दोनों जेड लाइन का। वो तो मैं समझ गई सर, ये पूछ रही हूँ जेड लाइन कहाँ है, ये जेड लाइन मसल के अंदर जेड लाइन ना, ये है जेड लाइन, दिस सर ये मुझे। हाँ जी सर, मतलब मसल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, देखो ये डार्क बैंड है लाइट बैंड। हाँ जी, ये डार्क बैंड फिर लाइट बैंड, लाइट बैंड के बीच एकदम सेंटर में ऐसे रेखा है जो डार्क। हाँ जी, ये जो लाइट बैंड है ना, अभी लाइट बैंड को आई बैंड बोलते हैं, ये आई बैंड के बीच का एकदम सेंट्रल में एक ऐसे डीप कलर का ऐसे रेखा है, तो सर ये मसल्स का है ना बेसिकली, ये जो आप स्ट्रक्चर दिखा रहे हो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ मसल्स फाइबर के अंदर जेड लाइन ना सर? हाँ, मसल फाइबर के अंदर ही जेड लाइन। पिछले क्लास में ये आज डिटेल नहीं दिया, पिछले क्लास में बताया, बस यही पूछना था कि हम लोग जेड लाइन मतलब मसल्स फाइबर के अंदर। करेक्ट करेक्ट। Okay, सर हम सीधा तो नहीं बता सकते ना, हम पूरा मसल बताना पड़ेगा, फिर मसल बंडल, फिर फाइबर, फिर बजाएंगे हम माइक्रोस्कोप सार्कोमेर के ऊपर। करेक्ट सर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर यूनिट, अपना अपना नोट बनाओ, वी कैनॉट गिव द नोट्स बिकॉज एक ही आदमी दे सकता है, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, ऑलरेडी टाइम हैज एक्सीडेड, थैंक यू सर, हैविंग अदर क्लासेस ऑल।